दोस्तों क्या आपको पता है श्री राम जी की भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के अलावा एक बहन भी थी। और क्या आपको पता है रामायण में एक ऐसा शख्स है जो कि 14 सालों तक सोई नहीं। और क्या आपको यह भी पता है कि वाल्मीकि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ऐसे ही रोचक और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, इसके शिखर पर लगा यह चक्र और यह ध्वज अपने आप में एक रहस्य है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, झंडा तो हर मंदिर के शिखर पर होता है। लेकिन इस मंदिर के अर्थात जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा यह ध्वज, इसकी खासियत यह है कि यह हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। और रही चक्र की बात, तो चक्र की खासियत यह है कि आप इसे जिस दिशा से भी देखोगे, जिस ओर से भी देखोगे, वह आपको अपनी ही तरफ बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो मैंने बताई नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर के समय इस झंडे की और चक्र की परछाई जमीन पर कभी भी नहीं पड़ती। दोस्तों क्या आपको पता है महाभारत में कर्ण को ही भगवान सूर्य से कवच और कुंडल क्यों प्राप्त हुए और कैसे प्राप्त हुए और वो सूर्य पुत्र कैसे बना, इसके पीछे छुपा है कर्ण का पूर्व जन्म का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण थे, जो दोनों जुड़वा भाई थे और दोनों ने देवताओं की माता अदिति के गर्भ से दुम्बोध भव नाम के एक राक्षस का अंत करने के लिए जन्म लिया था। लेकिन उस राक्षस ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांगा था और इन कवचों के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी और इन हर एक कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। अब इन वरदानों को पाके वो राक्षस खुद को अजेय और अमर समझने लग गया और अत्याचार करने लगा। अब भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने उस दम्बोध भव राक्षस से भयानक युद्ध किया। उस राक्षस का एक कवच टूटता तो नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता। एक तरफ एक भाई युद्ध करता तो तब तक दूसरा भाई तपस्या करता। इस तरह बारी बारी से नर नारायण ने उस राक्षस के 999 कवच तोड़ डाले। अब जब आखिरी में एक कवच बच गया तो वह राक्षस सूर्य भगवान के पास सूर्य लोक में जाके छुप गया और सूर्य भगवान ने उसको अपना भक्त समझ के शरण दे दी। इसी कारण अगले जन्म में वही राक्षस सूर्य भगवान की शरण पाने से सूर्य का पुत्र कर्ण बना और वही एक कवच उसे जन्म से ही प्राप्त हुआ। आप सभी तो यह जानते ही हैं कि श्री राम जी के 3 और भाई थे, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन क्या आपने ये भी सुना है कि श्री राम जी की एक बहन भी थी? जी हाँ, प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि राजा दशरथ और कौशल्या की राम जी के जन्म से पूर्व एक कन्या भी थी जिसका नाम शांता था और उन्होंने शांता को कौशल्या की बहन वर्षणी को गोद दे दिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोस्तों हनुमान जी के पिता हैं केसरी और माता हैं अंजनी और उन्हें कहा जाता है पवन पुत्र। पता है क्यों? इसका एक रोचक रहस्य है। अंजनी और केसरी की कोई संतान नहीं थी तो अंजनी मतंग ऋषि के पास गई और मतंग ऋषि ने अंजनी को 12 वर्ष तक तपस्या करने को और व्रत रखने को कहा। तो उन 12 सालों में अंजनी ने केवल वायु यानी कि हवा का ही भक्षण किया। तब वायुदेव यानी पवन देव अंजनी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अंजनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा उनका ही अंश उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। दोस्तों रामायण में श्री राम जी को 14 वर्ष यानी कि 14 सालों का वनवास मिला था और उनके साथ में उनकी पत्नी माँ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में गए थे। लेकिन क्या आपको पता है रामायण में एक ऐसा करेक्टर है जो कि इन 14 सालों में सोई रही, वो है उर्मिला। अब आप कहेंगे ये उर्मिला कौन है? उर्मिला थी लक्ष्मण जी की पत्नी। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वन में गए थे तो उन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी बिल्कुल भी सोए नहीं। वनवास की पहली रात्रि में जब सीता मैया और राम जी विश्राम कर रहे थे तब लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे थे
उसी समय लक्ष्मण जी के पास निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद ही ना आए। तब निद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी ना किसी को तो लेना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से प्रार्थना करी कि उनके हिस्से की निद्रा को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए, और इसी वरदान के कारण उर्मिला इन 14 वर्षों तक लगातार सोई रही। दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि रामायण ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि उन्होंने यह ग्रंथ राम जी के जन्म से पहले ही लिख दिया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात छुपी है रामायण के श्लोकों में। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, और इसके हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं, और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे से गायत्री मंत्र में पूरी रामायण समाई हुई है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही रोचक और अनसुने धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय श्री राम।